नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। H1B वीजा धारकों के जीवन साथी भी कर सकेंगे अमेरिका में काम। अमेरिका ने कहा कि H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को काम करने की अनुमति प्रदान करेगा। यह कदम उन हजारों प्रतिभाशाली और पेशेवर भारतीय पति पत्नियों के लिए फायदे वाला हो सकता है जो अपने जीवन साथी के साथ अमेरिका तो आते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। मौजूदा कानूनों के अनुसार H1B वीजा धारकों के पति या पत्नी काम करने की योग्यता नहीं रखते। इनमें से अधिकतर भारतीय हैं। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा 26 मई से H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों से कार्य वीजा के आवेदन लेना शुरू कर देगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत को ओबामा का समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा कि जहां तक सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की बात है तो मुझे पता है कि राष्ट्रपति इसका समर्थन करते हैं। अर्नेस्ट ने कहा कि उनके पास संयुक्त राष्ट्र में जारी सुधार या इन सुधारों में से कुछ को लागू करने की कोशिश करने संबंधी कोई ताजा जानकारी नहीं है। सीआरपीएफ की मिनी बस को उड़ाया, दो जवान शहीद। माओवादियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग में विस्फोट हो जाने से एक मिनी बस पर सवार सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हो गए और 10 घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर ने बताया कि माओवादियों ने बिहार के गया जिले के नंडई गांव के समीप इमामगंज डुमरिया इलाके में उस रास्ते पर बारूदी सुरंग बिछा दी जहां से पुलिस और सीआरपीएफ के जवान गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि जब मिनी बस इसके ऊपर से निकली तो विस्फोट हो गया।